jain and welcome to force defence academy today we'll be understanding about one act जो 2018 अच्छा में लाया गया था एंड रियली ब्रॉट इन इंडिया नीरव मोदी विजय माल्या ये लोग ये सब क्या करते हैं फ्ली the, कंट्री uh, और उसके कारण क्या होता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को सफर करना पड़ता है बिना पैसे दिए ये लोग इतना बड़ा बड़ा स्कैम करके चले जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल पीपल लोकल नेशन है तो इसका मीनिंग क्या है क्यों लाया गया एंड एवरी अबाउट इट इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे और थोड़े बहुत जो लूप होल्स है इसमें हर एक्ट में होते हैं हम वो भी देखेंगे दिस एक्ट 2018 में लाया गया था इसको इसलिए लाया गया था ताकि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है जो कंट्री एस्केप करके जाते हैं तो उनके कारण जो भी नुकसान होता है वो नुकसान कम से कम हो ठीक है तो हाई प्रोफाइल बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है सबसे पहले तो आप देख लो नीरव मोदी मेहुल चौकसी विजय माल्या जतिन मेहता मल्टीपल नेम्स आर देयर इन द लिस्ट अब इतने सारे लोग अगर हंड्रेड एंड अबाउ का स्कैम करके जाएंगे तो आप सोचो आपकी इकोनॉमी का क्या होगा तो देयर माइट एक बहुत ज्यादा अर्जेंसी बन गई थी एक ऐसा वे लाने का कि ये लोग अगर भाग भी जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ ऐसा तरीका हो जिससे कम से कम नुकसान हो। नुकसान तो होगा बट कम से कम नुकसान हो ठीक है तो one will be declared a fugitive economic offender. तो जैसे ही ये लोग स्कैम करके कहीं और कंट्री में चले जाते हैं तो उनको fugitive economic offender कर दिया जाता है मतलब इफ़ ऑफेंस इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ वन हंड्रेड करोड़ रूपीज एंड अबाउ तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा और यू इट गिव्स इंडिया टू प्रोसिक्यूट दिस एक्ट अगेंस्ट देम ठीक अब इस एक्ट में क्या क्या होता है सबसे पहले तो दिस एक्ट गिव्स राइट टू तो इंडियन गवर्नमेंट कि आप जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं बेनामी हो या इस इस लोन्स के अंडर ली हुई हो या उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो जहाँ इंडिया में हो इट गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू प्रॉपर्टीज एंड इवन टू सेल प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर टू रिट्रीव द मनी है ना तो जो पैसा चला गया फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने बहुत ज्यादा लोन लिया उससे बहुत सारी चीजें भी खरीदी होगी बहुत अलग अलग जगह इन्वेस्ट भी किया होगा तो सारा पैसा तो वापस आना पॉसिबल नहीं है बट स्टिल यू कैन सेल द प्रॉपर्टीज विच आर देयर इन दैट पर्सन नेम इन इंडिया एंड इवन आउट

If one is declared as a fugitive economic offender, the creditor can confiscate and sell his her property. ठीक है तो उसकी property sell करने के right आ जाते हैं इस act के अंदर हमारे पास और ये property में सिर्फ वो वाली properties नहीं हैं जो इस loan के through लाई गई थी ठीक है सारी प्रॉपर्टी ऐसा है उसकी बेनामी प्रॉपर्टी यहाँ की प्रॉपर्टी बाहर की प्रॉपर्टी जो भी है अदर कंट्रीज की दिस विल इंप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे क्या होगा फाइनेंशियल लॉस तो तब भी होगा बट स्टिल कम लेवल का होगा उतना हाई लेवल नहीं होगा सेकेंड बिकॉज ऑफ दिस एक्ट द पर्सन हु हैज कमिटेड द फ्रॉड हैज नो राइट टू यू नो क्लेम एनीथिंग ऑन द इंडियन जुडिशियरी वो कोई केस नहीं कर सकता गवर्नमेंट पे अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर कि मेरी प्रॉपर्टी क्यों बेच रही मेरा हक हाँ क्यों नहीं है और वो वो ऐसा केस नहीं कर सकता अंडर दिस एक्ट ठीक है दिस दैट कैन हेल्प इन सॉल्विंग द इशू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ही हो गए ना सारे तो उनके भी केसेस सॉल्व हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया पे वापस ट्रस्ट आ जाएगा वाई बिकॉज अब देखो इन लोगों के कारण इकोनॉमी अगर इधर उधर हो रही है तो अब आप देख लो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को होता है कि बैंक से विश्वास हट जाता है अब जो बैंक ने उनको लोन दिया उस बैंक से लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा हट जाएगा ठीक है दे विल नॉट ओपन अकाउंट इन दैट पर्टिकुलर बैंक तो इसके कारण बैंकिंग सिस्टम में फेथ रिस्टोर करने के लिए ये जो है एक्ट वापस लाया गया

दिस एक्ट अपलाइज टू इकोनॉमिक ऑफेंडर दैट लेफ्ट इंडिया ठीक है अब इसमें देखो इसमें कंडीशन है कि वो इकोनॉमिक ऑफेंडर जो सौ करोड़ या उससे ज्यादा का स्कैम करके इंडिया से भाग गया तो दो कंडीशन सौ करोड़ या उससे ज्यादा और इंडिया से भाग गया मतलब जो इंडिया में है उन पे ही अप्लाई नहीं होगा सौ करोड़ से नीचे है तो उन पे भी अप्लाई नहीं होगा समझ रहे so, fl so अप्लाई नहीं होगा नाउ गेटिंग लूप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग बट नॉट टू हू स्टे इन इंडिया बट कमेंट द फ्रॉड दिस एक्ट अप्लाइज टू स्पेसिफाइड ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 100 करोड़ और मोर ठीक है तो उतना अमाउंट होना चाहिए तब भी जो है कॉन्फिस्केट करने के राइट्स मिलते हैं इस एक्ट के अंदर जितने बचे हुए हाई प्रोफाइल अब ये भी नाइनटी करोड़ थर्टी करोड़ फिफ्टी करोड़ इज नॉट सम लेस अमाउंट दिस इज आल्सो यू नो हाई प्रोफाइल ही बोला जाएगा इसको बट उसमें आप कुछ इतना ज्यादा पावर नहीं है आपके हाथों में देर आर मनी लॉज इन इंडिया बट द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम नाउ हमारे पास बहुत लॉज है इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सॉरी तो अब उसके बाद क्या होगा ऐसे में अब हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जो बहुत अच्छे हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इज फेलिंग टू इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ गुड लॉज दिस इज एन एग्जांपल, बहुत अच्छा लॉ है बहुत अच्छा एक्ट है बट गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंटेशन हम खुद ही देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया इज अ वेरी पुअर लेवल तो इंप्लीमेंटेशन अच्छे से इसका भी नहीं हो रहा है

Kingfisher suffered so much. So, because of innocent people who own the stocks of these companies, they suffer a lot. They bear many losses. So, this these are all the loopholes of this particular act. But still, this act was very much needed, very much required because again, 100 crores or more is not less of any amount. You know? Or this amount is enough to cause problem to lot many people to the banking system and to the economy of any country. So that is why this particular act was very important. This is how you have to conclude. And more such videos, subscribe to our channel. Till so then, keep watching. Jai Hind take care.